मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हमीदिया अस्पताल में आग का मुद्दा सदन में गूंजा। प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा ने कहा कि मामले में लीपापोती हो रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा अस्पताल हादसे को लेकर सदन में सवाल उठाया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक तरफ चिकित्सा मंत्री ने बताया कि 4 बच्चों की मौत हुई, वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं 5 लोगों को मुआवजा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार लीपापोती करने में लगी हुई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से शिकायत करूँगा। हमीदिया हॉस्पिटल कमला नेहरू चिकित्सालय में एक बहुत बड़ा हादसा भोपाल का हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे नवजात शिशु जिनको हम बचा नहीं पाए, इस गंभीर पेशेंट को मैंने लगाया था और आज चर्चा में आया। दुर्भाग्य कि हम लोग चर्चा चाहते थे लेकिन हाउस के क्वेश्चन का पीरियड पूरा के पूरा स्थगित कर दिया गया। मैंने क्वेश्चन में जो जानकारियां मांगी थी उसमें सरकार स्वीकार कर रही है। एक तरफ एक प्रश्न में कह रही है कि 4 लोग मरे और वहीं प्रशासन के गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि 5 लोगों को मुआवजा दिया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 4 मृत्यु हुई और 5 का मुआवजा दिया, तो डिफरेंस यहीं पे दिख गया। एक मेरे प्रश्न पूछा था कि इस हानि में FIR अभी तक क्यों नहीं हुई, तो गृह मंत्री कहते हैं कि इस पे मर्ग कायम है और मर्ग कायम के चलते अभी जांच चल रही है। और चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है, यानी पूरा लीपापोती सरकार कर रही है और ऐसे गंभीर विषय को इस तरह से लीपापोती करना गई। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि 5 को मुआवजा दिया, मतलब 5 तो सरकार भी मान रही है मुआवजा दिया और मंत्री कह रहे हैं 4, पूरी लीपापोती हो रही है। एक और सवाल में पूछा गया उसमें भी इसी तरह से गोलमाल है। कुल मिलाकर हमीदिया के अंदर जो कांड हुआ, और ये भी मान रहे हैं कि उसका फायर एक्सटिंग्विशर खराब था। भाई क्यों खराब था? आप रोज जाके फोटो खिंचवाते हो हमीदिया अस्पताल के अंदर और रोज रोज सदन में चर्चा क्यों नहीं की इस प्रश्न? ये सरकार ने दबाव डाल के अध्यक्ष जी को मजबूर कर दिया कि ये प्रश्नकाल को, भाई कोई सवाल उठा रहा है एक कि आदिवासी का 400 रुपये आदिवासियों के उसके लिए बजट के अंदर है, यहाँ 150-200 करोड़ खर्च हो रहे हैं वो सम्मेलन में भोपाल के अंदर जम्बूरी में, और यहाँ 400 रुपये। और धर्मस्व विभाग धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म फला, एक पैसा नहीं दिया इसमें, एक पैसा। तो ये कुल मिला के हर चीज़ का जवाब नहीं दे रहा। और कल ये बात हुई थी सबसे बड़ी बात कि ये अगर सरकार केवल वो अध्यादेश वापिस ले ले तो ये चुनाव यथावत स्थिति में आ जाता है जिसमें आरक्षण OBC को भी मिल जाता है। लेकिन कल उनने कहा था कि चुनाव एक साथ होंगे लेकिन चुनाव प्रक्रिया वैसे वैसे चल रही। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी पता नहीं किस तरह से उनने पैरवी की कि वहाँ उनने भी अभी सुनने से मना कर दिया। कुल मिला के ये सरकार OBC के साथ चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए सब स्थिति बनी। मैंने आज एक इशू और उठाया था, भोपाल के अंदर 680 रैन बसेरा में बेड हैं, फुल हैं, मुख्यमंत्री और कमिश्नर ये घूम के आ गए और 1,000 लोग इस ठंड के अंदर वहाँ पर सड़क पे फुटपाथ पे सो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये वो लोग हैं जो OBC से भी नीचे हैं, कोई भीख मांगता है, कहीं दिन भर होता है, रात को फुटपाथ पे सोता है, उनकी भी, इनको किसी की चिंता नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।